नमस्कार जी, मैं मंजू। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ये क्राइसेंथमम को आपने कटिंग से कैसे लगाना है। तो दोस्तों, इसके खूबसूरत फूलों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि सर्दियों में इसके जो फूल आते हैं और बड़े ही सुंदर लगते हैं और काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं। तो अगर अब हम इसकी कटिंग लगा लें तो इसके प्लांट्स 20-25 दिनों में तैयार हो जाएंगे और फिर हम किसी भी बड़े पॉट में इनको लगा सकते हैं। और चाहे तो आप किसी बोरी में लगा लो और चाहे तो आप किसी छोटे गमले में लगा लो, किसी चाहे तो आपके पास कोई प्लास्टिक बैग मजबूत वाला है, आप उसमें भी इसको ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगाना है, इससे पहले मैं कुछ आपको दिखा दूं कि ये जो मैंने कुछ दिन पहले मेहंदी का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने 3 कटिंग लगाई थी दोस्तों। एक तो ये जो पूरी लंबी कटिंग थी, ऊपर के हिस्से में ये थोड़ी सी इसमें हरी पत्तियाँ आ ही रही थी, ये तो वो कटिंग रही। और उसके नीचे हिस्सों की जो मैंने काटी थी एक, ये तो इसमें भी ये देखो न्यू लीव्स आना ये स्टार्ट हो गया, ये देख रहे हैं आप। और जो तीसरी कटिंग थी उसमें भी ये आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए ये है, और ये छोटी सी ये निकल रही है, देखा आपने। और ऊपर का भी हिस्सा दोस्तों, ये ड्राई नहीं है, इसमें भी ये छोटे छोटे ये निकलना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा, ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये इसमें भी आना स्टार्ट हो गया है, और इसमें भी ये आना, ये देखिए स्टार्ट हो गया है। तो जिन भाई बहनों ने मेरे मेहंदी का प्लांट अभी नहीं लगाया है, जिनका मन है लगाने का, तो वो अभी इसको लगा सकते हैं। तो ऐसे किसी भी पॉट में जिसमें ऑलरेडी आपके प्लांट्स लगे हों तो आप एक साइड में लगा सकते हैं, और जब इनकी रूट्स बन जाएं तो फिर आप इनको अपनी मनपसंद जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी जगह में मैं ये क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाने वाली हूँ। और क्राइसेंथेमम को हिंदी भाषा में जो वो गलदुद्दी का प्लांट भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपके जगह कुछ और नाम से बुलाते हों, पर हमारे यहाँ तो इसको गलदुद्दी का प्लांट भी कहते हैं और क्राइसेंथेमम भी कहते हैं। तो दोस्तों, लगाना कैसे है इसको, बहुत ही आसान है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको प्लांट को रूट्स के साथ उखाड़ लें, और उखाड़ के आप सीधे कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसको कटिंग से कैसे लगाना है, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये यहाँ से कटिंग कर लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये मैंने कटिंग कर ली, एक ये होगी, और एक मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। तो दोस्तों, ये जो पिछले साल मैंने इस बोतल में लगाए थे तो बहुत अच्छे फूल, इतने दिनों इसके खिले रहे और इसके प्लांट्स भी खूब ये घने हो गए थे। बट जब गर्मी आती हैं तो थोड़ा प्लांट को बचाना है इसका, इसको मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो कुछ छाया वाली, थोड़ी छाया आती है, थोड़ी धूप अगर ऐसी जगह में लगा है तब तो ये फिर सर्दियों में गर्मियों में बच सकता है। तो फिर मैंने ये छत से नीचे लाकर रख दिया था ताकि ये मेरा प्लांट बच जाए, और ये बच भी गया। दोस्तों, लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल। जैसे ये मैंने ये होल कर लिया, एक इधर कर लिया और एक इस तरफ, और ये हमारी मिट्टी तो ये बिल्कुल गिल्ली है क्योंकि सुबह मैंने ये प्लांट्स धोए हैं और अभी मुझे इसको पानी देने की। बस सिंपल ऐसी कटिंग करके ये हमने रख दी कटिंग, और फिर हाथ की मदद से या पेन की मदद से मिट्टी को आप इसको खूब अच्छे से ऐसे दबा दो इस तरह से, ताकि
इसमें हवा ना रहे। और जब हम पानी देते हैं तो हवा जो है अपने आप ही निकल जाती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो पानी से नीचे बैठ जाएगी। और ये ऐसे दबा देना है और इसी तरह से हमें फिर ये दूसरी कटिंग लगानी है। तो दोस्तों, अगर आप जितने बड़े पॉट में इसको लगाते हैं और इसके प्लांट्स जब रूट्स बन जाते हैं तो फिर आप इनको धूप में रखें। और पानी की रिक्वायरमेंट तो ऐसी है कि जैसे आप सब प्लांट्स को देते हो उस तरह से इनको भी सुबह शाम पानी दीजिए। तो अभी तो खैर मैं इनको एक टाइम ही पानी देती हूँ, और कुछ एक प्लांट्स मेरे हैं उनको मुझे दो टाइम देना पड़ता है। तो अगर लगे मुझे कि थोड़ा ड्राई हो रहा है तो फिर मैं दो टाइम भी कभी कभी देती हूँ जब बहुत तेज़ धूप होती है। तो इस तरह से इसको मैंने दबा दिया। और अगर जो रेत मिली मिट्टी हो थोड़ी सी और थोड़ी सी खाद हो तो उसमें इसके प्लांट्स ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। अगर किसी के पास खाद की व्यवस्था नहीं है तो वो नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकता है, जहाँ तो सड़ी गली पत्तियाँ डाल लीजिए तो उनके लिए भी ये उसमें भी अच्छे से ये प्लांट ग्रो करेगा। और सड़ी गली पत्तियाँ और थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए तो ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो आप तो वैसे कहीं भी लगा सकते हैं अपनी मनपसंद जगह में। तो क्योंकि सर्दियों में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने जैसे ये प्लांट इस बोतल में लगा रखा था, खूब अच्छे से चल रहा था, तो ये दोस्तों मैंने गमले में ऐसे रख दिया था इसको बचाने के लिए, ताकि धूप तेज ना पड़े और ये गर्मियों में बच जाए। तो इसकी इतनी मोटी जो रूट्स है, ये जैसे मैंने ये होल कर रखा हुआ था ये पानी को ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो इतनी सारी वो रूट्स नीचे गमले के बीच में इसकी आ गई थी ये। तो अब फिर मैंने इसको ऐसे उखाड़ा, ये देखिए कितनी बड़ी, और ये टूट गई गमले में और पूरी रूट्स बन गई हैं। तो अब मैं इसको छत पे रखाऊंगी और वहाँ इसको धूप भी मिलेगी और खूब अच्छे से फैलेगा और ये मेरी कटिंग भी चल पड़ेगी तब तक। और कुछ दिनों के बाद फिर मैं इसको अलग पॉट में, जहाँ जिसमें ऑलरेडी मेरे ऊपर मैंने पहले भी इसमें प्लांट लगा रखे हैं छत पे इसके, तो फिर मैंने तो उन्हीं में ये लगा दूँगी। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, बस ऐसे। और लगा के आपने फिर पानी दे देना है, क्योंकि मेरी तो ये मिट्टी बिल्कुल गिल्ली है। और बस कुछ नहीं करना है, और छाया वाली जगह में रखना है इसको। और छाया जहाँ की थोड़ी धूप भी आ रही है, अगर दीवार के साथ रखते हैं तो अच्छा है। इस पर हवा नहीं पड़नी चाहिए, अगर हवा पड़ेगी तो भी ये इसका प्लांट जो है ड्राई हो जाएगा। तो दोस्तों, कटिंग जब हम लगाते हैं तो कटिंग का असूल यही होता है कि उन प्लांट्स को, किसी भी चीज़ की कटिंग हो, तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और लाइट तो चाहे आए उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए जब तक इसकी रूट्स नहीं मिलती हैं, बनती हैं सॉरी। और मिट्टी जो है वो हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी मॉइस्ट होगी तभी उसमें रूट्स बनेंगी। अगर मिट्टी इनकी ड्राई हो जाती है तो फिर जो ये हमारे हम कटिंग लगाते हैं वो भी फिर ड्राई हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और ड्रेनेज सिस्टम खूब अच्छा होना चाहिए, कोई भी आप प्लांट लगाएं दोस्तों, तो ड्रेनेज सिस्टम सबका अच्छा होना चाहिए। और अगर पानी रुकता है तो फिर हमारा प्लांट बहुत जल्दी सड़ जाएगा, गल जाएगा पानी रुकने से। तो इसलिए ऐसे भी चेक करते रहें, जैसे ये रूट्स नीचे आ जाती हैं तो इनको हटा के ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। तो मैंने इस बोतल में एक हो और भी होल बना रखा हुआ है, तो उसमें तो नहीं आई पर इसमें आ गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा और आप इस प्लांट की कटिंग लगा लेंगे। इसमें बहुत ही तरह तरह के सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आते हैं। तो ये शायद दो कलर का है, एक मुझे लग रहा है येलो कलर का होगा और एक थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है क्योंकि अभी तो इन पे फूल आए नहीं हैं,
पर मुझे लग रहा है कि शायद ये दो कलर के हैं, तो जब सर्दी आएंगी फूल लगेंगे फिर तभी पता चलेगा कि ये एक कलर का है या दो कलर का। तो वैसे तो मेरे पास लास्ट ईयर दो कलर के थे, तो अब देखो अब दो प्लांट तो मैंने अपनी फ्रेंड के घर से लेके लगाए हैं, तो पता नहीं उनके सेम कलर है कि अलग कलर है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये गलदुद्दी के प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।